तो दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? आइए, तो एक साधु ब्राह्मण थे जो माता लक्ष्मी जी के बहुत ही ज़्यादा भक्त थे और उनकी पूजा आराधना करते रहते थे। तो एक बार उन्हें ऐसा लगा कि मैं भी राज सुख भोगूं, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा की और पूजा करते समय माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उस साधु ब्राह्मण ने उनसे एक वरदान मांगा कि मैं भी राज सुख भोगूं। तो माता लक्ष्मी जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम भी एक बार राज सुख जरूर भोगोगे। तो वहाँ के जो राजा थे, तो वो साधु ब्राह्मण उस राजा के घर दरबार में चले गए और राजा के दरबार में जाने के बाद उन्होंने राजा को ज़ोर से धक्का दिया और राजा ज़मीन पर गिर पड़े। तो राजा जब ज़मीन पर गिर पड़े तो उस सर्प के निकलने के बाद जब वो सर्प ज़ोर से भागा तो राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आज मैं आपकी वजह से बचा हूँ, तो मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि साधु ब्राह्मण ने कहा कि मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आपके साथ रहने आया हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है। तो राजा ने उनके साधु ब्राह्मण के लिए एक अलग रहने का स्थान बनवा दिया और उसमें वो साधु ब्राह्मण रहने लगे। उसके दूसरे दिन जब वो आए तो उन्होंने क्या किया कि गणेश जी की मूर्ति उनके दरबार में रखी हुई थी। तो गणेश जी की मूर्ति रखने के बाद वो ब्राह्मण देवता जो थे, तो उन्होंने कहा, इस गणेश जी की मूर्ति हटा दो, यहाँ पर अच्छी नहीं लगती। तो राजा उन पर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उनको उनकी जान बचाई थी ब्राह्मण देवता ने, तो उनके कहने पर गणेश जी की मूर्ति हटा दी गई राजा के दरबार से। तो गणेश जी उन पर क्रोधित हो गए और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। और उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ कि दरबार में सभा लगी हुई थी और ब्राह्मण देवता आए और राजा का हाथ पकड़कर चुपचाप बाहर की तरफ निकाल ले गए। और बाहर की तरफ ले जाने के बाद वो पूरा महल जो है गिर गया, ध्वस्त हो गया। और वो महल इसलिए गिरा कि उसमें गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो गणेश जी की मूर्ति हटाने के बाद गणेश जी साधु पर और राजा पर क्रोधित हुए। तो साधु की जो ब्राह्मण देवता था उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और राजा का जो महल था उसको ध्वस्त कर दिया। और फिर सारी प्रजा उसमें दबकर मर गई और राजा की जान बच गई। तो इसके बाद राजा की जान बचने के बाद ब्राह्मण देवता को बहुत ही घमंड आ गया कि मेरे पास इतनी शक्ति है और मैं ये सब जान जाता हूँ, क्योंकि गणेश जी ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट की थी। तो उसके बाद अब फिर जब चौथा दिन आया तो ब्राह्मण देवता ने उस राजा को मारने की कोशिश की, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। तो जब राजा को मारने की कोशिश की तो राजा ने बंदी गृह में साधु महाराज को डाल दिया और कहने लगे, इसको इसी में रहने दो। तो जब ब्राह्मण देवता बंदी गृह में रहने लगे तो उनको फिर माता लक्ष्मी जी की याद आई और उन्होंने माता लक्ष्मी जी की वहीं पर आराधना की, पूजा की। तो माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई और राजा के बुद्धि में डाला कि राजा के सपने में आई और कहने लगी, जो तुम्हारे यहाँ साधु ब्राह्मण है वो उसको कारागार से मुक्त करो और वो अच्छा आदमी है। तो माता लक्ष्मी जी की सपने में आने के बाद राजा सुबह सोकर उठा और साधु महाराज को बंदी गृह से बाहर निकाला। और निकालने के बाद साधु महाराज ने कहा, गणेश जी की मूर्ति फिर से अपने भवन में स्थापित करो। और वहीं से गणेश जी की मूर्ति और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति एक साथ रखकर उस साधु देवता ने पूजा की थी और राजा के साथ। तो इसलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी, दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने ये जाना।